किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं मालवा एग्रो इंडस्ट्रीज मुलुंड पंजाब में और आज मैं आपके लिए लेकर आऊं मालवा कंपनी के दो थ्रेशर जो आप मेरे साइड पे देख रहे हैं दोस्तों। जी मालवा पेंडी मल्टीक्रॉप साइटो की थ्रेशर है जो मूंगफली भी निकालता है और जो मालवा का 2023 का नया मॉडल है मालवा मल्टीक्रॉप बैक साइड टोकरी थ्रेशर जिसका नाम क्रॉप चैंपियन रखा गया है। और दोस्तों खूबियां बताऊंगा, तो सबसे पहले किसान भाई बताना चाहता हूं कि मालवा के जितने भी थ्रेशर है वो भारत सरकार द्वारा सब्सिडी पास है सभी स्टेटों में और साथ में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आप बहुत कम पैसे लगाकर मालवा का थ्रेशर ले सकते हैं और गीली फसल को निकालने वाला भारत का नंबर वन थ्रेशर है। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो मालवा का नया थ्रेशर बैक साइड टोकरी थ्रेशर तैयार किया है कंपनी ने, उसमें खूबी की बात करें तो इसमें आपको बैक साइड टोकरी मिलने वाली है और टोकरी पे पीछे कंपनी ने इस बार क्या किया, जो आप औरों कंपनी में देखते हैं उसमें आपको दो गियर मिलते हैं, दो स्पीड में फॉरवर्ड और रिवर्स में, मगर यहाँ पे आपको कंपनी ने तीन स्पीड में गियर दिया है। इसको आप चलता रखना चाहते हैं तो चलता रख सकते हैं, इसको रोकना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, अगर इसको आप टोकरी उग्र को बैक करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे चला सकते हैं। और यही नहीं, अगर इसकी आप चाल ज़्यादा तेज करना चाहते हैं, जल्दी से फसल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है गियर पे, आप इस यहाँ पे नट बोल्ट को यहाँ पे डालकर फसल चला सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप किसान भाई इसकी बजाय यहाँ पे फसल निकालना चाहते हैं, ऊपर परनाला दिया गया है ना, तो दो आदमी खड़कर यहाँ पे दो या तीन आदमी खड़कर यहाँ परनाले के साथ भी फसल को निकाल सकते हैं। बात करें दोस्तों इसकी खूबी की जो गीली फसल को निकालता है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना साफ्टे दी गई हैं 1 2 3 4 5, ये 5 साफ्टे दी गई हैं जो झरने को अच्छे से हिलाती हैं और फसल को रुकने नहीं देती, आगे से आगे फेंकती रहती हैं, गीली फसल भी आसानी से निकल जाती है। दोस्तों हम साइड में आ गए थे तो साइड में जैसे ही आया तो मैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको बर्म सिस्टम मिलता है। दोस्तों अगर कोई फसल में कोई कच्चा कोई दाना वगैरह रहता है तो पीछे ड्रम में चला जाता है बैक से। और दोस्तों अगर अपने जाल को ऊपर नीचे करना है, सेटिंग करना चाहते हो तो आप ये बाहर से ही कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बड़े सिस्टम दिया गया है कंपनी ने दोस्तों। और टायर है जो आपको रेगुलर टायर मिलने वाले हैं वो आपको 8-25-16 की कंपनी टायर दे रही है। ये आ गया दोस्तों मालवा का पेंडी मल्टीक्रॉप साइड टोकरी थ्रेशर जो दोस्तों मूंगफली की फसल को भी निकालता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको। इसकी खूबी की बात करें दोस्तों तो इसमें जो सिस्टम दिया गया है वो आपको चैन का सिस्टम दिया गया है अंदर वर्म उग्र में, तो देख सकते हैं अगर इसको आप उग्र को रोकना चाहते हैं तो रोकने के लिए यहाँ पे को लीवर की मदद से आप रोक सकते हैं। और बाकी एक मैं आपको टेक्निकल बात बताना चाहता हूँ, ये देखिए कंपनी ने यहाँ पे ना खिड़की दी है दोस्तों, जो अगर आपके जो साइड पर लिखा ना ड्रम होता है जो ग्राइंडर होता है वो ग्राइंडर का सिस्टम आपको यहाँ पर मिलने वाला है, आप आसानी से यहाँ पर खोल सकते हैं और फसल को डाल सकते हैं। बाकी गीली फसल रुके ना तो उसके लिए यहाँ पे एक पुली लगाई गई है जो माल को चलता रखती है दोस्तों, यहाँ पे फसल को रुकने नहीं देती। हवा का प्रेशर अपने कम ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से हाई लो कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। और जो आपको वेस्ट होती है वो आपको यहाँ से मिलने वाला है जो वेस्ट रहती है। बाकी फसल की बढ़िया सफाई के लिए यहाँ पर फैन दिया गया है। और पीछे की बात करें तो पीछे आप फसल किसान भाई को यहाँ पर फसल मिलने वाली है, साथ ही वो फसल अगर आप किसान भाई इस पर एलिवेटर लगवाना चाहते हैं पीछे तो वो भी लगवा सकते हैं, वो किसान की चॉइस है। और काफ़ी बड़ी साफ्टे इसमें मिलती हैं, काफ़ी बढ़िया इसको डिज़ाइन से तैयार किया गया है दोस्तों। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, किसान को आसानी से काम करने के लिए किसी फॉर्मेन को बनाने बुलाना ना पड़े तो कंपनी ने देखिए यहाँ पर लगाया गया आरपीएम का बताया गया है, अभी आरपीएम हाई और लो के बारे में बताया गया है। किसान भाइयों अगर आपके पास फसल छोटी है हल्की फसल है तो आप आरपीएम कम कर सकते हैं, अगर आपकी फसल हैवी या ज़्यादा हैवी लग रही है तो आप चक्कर को बढ़ा सकते हैं, आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से यहाँ पे स्टिकर को देखकर काम कर सकते हैं। अगर आपने बेल्ट भी टाइट करनी है तो आप यहाँ से चाबी पाने की मदद से बेल्ट को टाइट कर सकते हैं। और इसमें आपको 5 फैन मिलते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 और 5 जो मैंने दूसरे साइड दिखाया था। और कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी बढ़िया टायर साथ में दे यहाँ पर दिए हैं, अगर वो यहाँ पर सिर्फ अगर आप ये भी लेना चाहते हैं आपकी चॉइस है, 16 10 16 5 के आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे टायर लगाए गए कंपनी ने, मॉडिफाई इसको काफ़ी अच्छे से किया है और इसको खोलने का सिस्टम भी बहुत आसान है, अपने कुछ काम वगैरह करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं एक बात और, साइड पे टोकरी दी गई है, आप टोकरी को उठाना चाहते हैं तो एक आदमी इसको आसानी से घुमाकर टोकरी को उठा सकता है, आपको ज़्यादा आदमी की ज़रूरत नहीं फील्ड में। और अगर अपने थ्रेशर के चक्कर कम ज़्यादा करने हैं
ड्रम के तो सेशन की जैसे उसके आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तीन पुली तीन मिलती हैं, तीन इसमें दी गई हैं, तीन पुली तीन बेल्टें दी गई हैं। और दोस्तों अगर मैं इसके बारे में बताता जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, काफ़ी लंबी बन जाएगी। और जो किसान भाई अगर आप भी मालवा कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, मालवा कंपनी का मल्टी क्रॉप पेंडी साइड टोकरी थ्रेशर और मालवा कंपनी का मल्टी क्रॉप बैक साइड टोकरी थ्रेशर जिसको का नाम क्रॉप चैंपियन है नया मॉडल लेना चाहते हैं तो कंपनी के नंबर हैं स्क्रीन पे मिल रहे हैं। और भारत सरकार द्वारा ऑल इंडिया में सभी स्टेटों में सब्सिडी पास है दोस्तों। आप इनके थ्रेशर बहुत कम पैसे देकर आप थ्रेशर को ले सकते हैं, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।